तो देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी आए हुए, पीछे देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी है। और ये छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोखर भी है, काफ़ी अच्छा व्यू है। हम 360 डिग्री पे आपको घूम के दिखाते हैं। ये देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है। देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको नदी। और अब हम दिखाते हैं आपको यूनिवर्सिटी का लुक, क्या शानदार है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और बीच में नदी भी है और काफ़ी हरा भरा है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी मस्त लग रहा है, आप देख सकते हैं, लग रहा है राजा महाराजा का ये रूम होगा। वैसे आप लोग जानते ही हैं ये दरभंगा महाराज का पूरा था, उसी में यूनिवर्सिटी खोला गया है, LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। और काफ़ी झकास लुक देखने को आपको मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों, बाहर निकलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा लुक है यूनिवर्सिटी का, देख लीजिए। और आज काफ़ी भीड़ भी है। तो दोस्तों, अब चल रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए, लेकिन एक पोपट हो गया कि थोड़ा सा जो है लेट हो गया है काम में, काफ़ी भीड़ है इसलिए। तो अब जा रहे हैं गाड़ी में बैठेंगे और उसके बाद फिर घर के लिए निकलेंगे। अब आगे से आप लोग को थोड़ा दिखाते हैं दोस्तों, देख लीजिए, काफ़ी अच्छा व्यू आप लोग को मिल रहा होगा, काफ़ी अच्छा है। देखिए दोस्तों, काफ़ी शानदार है फूल। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे और फिर आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। दोस्तों, एक दिन आते हैं तो अच्छे से आप लोग को पूरा यूनिवर्सिटी का टूर कराएंगे। पीछे दिख रहा होगा, अब ये यहाँ से जो है हम लोग एग्जिट करेंगे, बाहर निकलेंगे गेट से यूनिवर्सिटी के। तो ठीक है, निकलते हैं और फिर जाके गाड़ी में बैठते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर दो मंदिर है, अभी हम एक दिखा रहे हैं आप लोगों को, मनोकामना मंदिर। तो काफ़ी यहाँ पर आइएगा, जो भी आप मांगिएगा सच्चे मन से तो आपका पूरा होगा। तभी दिखाते हैं मनोकामना मंदिर, चलिए। तो देखिए दोस्तों, यही मनोकामना मंदिर है। तो यहाँ पर आप आइए अगर दरभंगा आते हैं तो, यूनिवर्सिटी और मनोकामना मंदिर में आइए और दर्शन कीजिए माता का, आपका सब कामना पूरा होगा, आप जो भी मांगेंगे। दोस्तों, अब जो है दरभंगा बाईपास जो है NH है, उसको हम लोग पकड़ लिए हैं और उसी रास्ते से होके चलेंगे। तो दिख रहा होगा आप लोग को दरभंगा बाईपास, ताकि उधर जाम लगेगा, तो जाम से छुटकारा मिल जाएगा और हम लोग आसानी से घर पहुंच भी जाएंगे। तो फिर दिखाते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, अब जो है गाड़ी पेट्रोल पंप पे आई है, पेट्रोल जो है ख़त्म है, तो वो इसमें भराएगा, CNG भराता है इसमें, तो CNG भी है इधर, पेट्रोल भी है, तो पहले भरा लेंगे तब उसके बाद फिर चलेंगे।
कुर्क है।